नमस्कार, भारत प्राइड में मैं दीपेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। रविंद्र सिंह भाटी के जितने भी प्रवासी सम्मेलन हुए, मुंबई, चेन्नई, पुणे, अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत के अंदर, जिस तरीके से यहां पर जो जन सैलाब उमड़ा, जो युवाओं का सैलाब रविंद्र सिंह भाटी के समर्थन में उमड़ा, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या वृद्ध, क्या युवा, हजारों की तादाद में हर सम्मेलन में रविंद्र सिंह भाटी का समर्थन करने के लिए वहां पर लोग पहुंचे। और जितने भी प्रवासी हैं, जो बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा के लोग हैं, जो बाहर के स्टेट में रहते हैं, रविंद्र सिंह भाटी उनसे अपील करने वहां पर पहुंचे और रविंद्र सिंह भाटी के समर्थन में जिस तरीके से लोगों ने वहां पर जो अपनी एक उपस्थिति दर्ज कराई, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि रविंद्र सिंह भाटी सिर्फ राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत में कितने प्रसिद्ध हैं। और जो लोग हैं, जो लगातार जो अपने राजस्थान से बाहर रहते हैं, जो अपने काम के लिए दूसरे स्टेट में रहते हैं, वो रविंद्र सिंह भाटी को उतना ही पसंद करते हैं और रविंद्र सिंह भाटी के समर्थन में ये सारी बातें अब देखने को मिली हैं। राजनीतिक पार्टियों के लिए मुश्किलें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। रविंद्र सिंह भाटी के समर्थन में इतने लोगों को देखकर, यहां पर तो लोकल स्तर पर तो है ही है, लेकिन बाहर जो लोग रहते हैं वो भी इतनी बड़ी तादाद में रविंद्र सिंह भाटी के समर्थन में है, ये देखकर कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां हैं उनको कहीं ना कहीं सोचने के लिए अब मजबूर होना पड़ रहा है, उनके लिए परेशानियां खड़ी हो रही हैं। रविंद्र सिंह भाटी एक निर्दलीय के तौर पर कड़ी टक्कर दे रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों पार्टियां सोचने पर मजबूर हैं कि एक 26 साल का युवा, क्या ऐसा रविंद्र सिंह भाटी को लेकर सोचा जाए, क्या ऐसा रविंद्र सिंह भाटी को लेकर रणनीति बनाई जाए कि रविंद्र सिंह भाटी के साथ जो युवा समर्थन में आ रहे हैं, किस तरीके से उसको रोका जाए, किस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी से टक्कर ली जाए, ये अब राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं रणनीति बना रही हैं। और लगातार रविंद्र सिंह भाटी के समर्थन में जो लोग जुड़ते जा रहे हैं, रविंद्र सिंह भाटी के समर्थन में जिस तरीके का सोशल मीडिया पर आप लगातार वीडियोज देखते होंगे, सोशल मीडिया पर जो समर्थन देखते होंगे, उससे कहीं ना कहीं अब जो रविंद्र सिंह भाटी को लेकर, जीत को लेकर जो उनके समर्थक जो लगातार दावे कर रहे हैं, वो अब उस चीज की ओर, रविंद्र सिंह भाटी के जो जितने भी आप काफिले देखते हैं, जो उनके साथ लोग आते हैं, जो उनकी सभाएं देखते हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है। बाकी के अपडेट्स के लिए लगातार भारत प्राइड के साथ जुड़े रहें। जय हिंद।